आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप मेरे यानी शिवानी के साथ। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार खबरों की इस रेलगाड़ी में सवार होने के लिए हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड की जो खबरें होती हैं वो थोड़ी रॉकिंग और थोड़ी शॉकिंग होती हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत कुछ ऐसी ही रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज के साथ। राज, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जी हाँ, DDLJ का वो फेमस डायलॉग तो याद होगा ही आपको। और जहाँ सिमरन हो वहाँ राज कैसे नहीं होगा, ये तो भला हो ही नहीं सकता। तो लीजिए, हमारी नायरा कम सीरत बनी सिमरन जो है, अब उनको उनका राज मिल गया है। लेकिन न जाने ये कैसा राज है जो बड़ा अजीबोगरीब है। सीरत बन गई है सिमरन और आ गई है डलहौजी। देखिए, सीरत को इसका राज भी मिल गया है। सीरत को तुतलाता हुआ राज मिलेगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जब तोतला राज मिल ही गया है तो सीरत उससे दूर भाग रही है। और भला वो दूर भागे भी क्यों ना, कहाँ वो इतनी खूबसूरत और प्यारी और कहाँ उसका तोतला राज। लेकिन ये जो राज है ना, जो सिमरन के आगे पीछे घूमता रहता है, वो सच में सिमरन से बहुत प्यार करता है, बिल्कुल DDLJ वाले सिमरन और राज की तरह। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आपको नजर आने वाला है लीप के बाद सीरियल की कहानी में। अब भाई, एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस राज को अगर देख ले तो असली राज सच में बुखार आ जाएगा उसे। अब भाई, हम तो यही कहेंगे, इस राज को आखिर आपने कहाँ से चुनकर लाया है। अब सिमरन आई है सब कुछ छोड़कर अकेले रहने के लिए, ताकि उसकी वजह से कार्तिक के परिवार पर कोई आज नहीं आए। इसलिए जहाँ पर वो रह रही है ना, ये अंकल आंटी सब सिमरन को ही जानते हैं, सीरत को नहीं जानते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया और सिमरन को ढूंढते हुए पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और पता चल गया सिमरन की सच्चाई। अब जब पुलिस पहुंच ही गई है तो वो दिन दूर नहीं जब सिमरन का असली राज भी उसके पास आ जाए। अरे मतलब कार्तिक भी अपने नायरा के पास आ जाए। मिला हुआ मैं जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सुकून प्रियंका चोपड़ा को मिला अपने पति निक से एक लंबे अरसे के बाद मिलने पर। वैसे तो निक और प्रियंका की जोड़ी वाकई बहुत प्यारी है, दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लगते हैं और यही वजह है कि इन दोनों कपल्स को फैंस काफी पसंद भी करते हैं। अब हाल ही में प्रियंका ने निक के साथ एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक फोटो शेयर की है, जिसको देखकर तो यही लग रहा है कि दोनों काफी दिनों बाद मिले हैं और उनकी ये पिक काफी वायरल भी हो रही है। तो आप भी देखिए प्रियंका और निक की ये वायरल तस्वीर हमारी इस रिपोर्ट में। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। निक और प्रियंका की तस्वीर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे दोनों बरसों बाद मिले हैं। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। तस्वीर में प्रियंका निक को प्यार से गले लगाती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रियंका और निक की ये फोटो इसलिए भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्योंकि दोनों काफी समय बाद साथ में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका अपनी अपकमिंग फिल्म सीटाडेल की शूटिंग की वजह से लंदन में रह रही हैं, वहीं निक अमेरिका में अपने घर में रह रहे हैं। दोनों स्टार्स की तस्वीर देखकर ये कहना सच में गलत नहीं होगा कि जैसे दोनों बरसों बाद मिले हैं। प्रियंका और निक के फैंस दोनों स्टार्स को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं फैंस सोशल मीडिया पर प्यार भी लुटा रहे हैं। प्रियंका ने निक के साथ ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी और सबसे मजेदार बात ये है कि शेयर करने के कुछ आधे घंटे के अंदर ही तस्वीर पर 14 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। प्रियंका और निक की फोटो पर फैंस खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, काफी लंबे समय से आप दोनों साथ नहीं थे, वो आपके पास वापस आ गया, अब इस खास पल को प्यार और खुशी से भर दीजिए, वो आपका घर है क्योंकि आप उसकी घर हैं। प्यार को प्यार करो निक और प्रियंका। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, निक और प्रियंका की इस प्यारी सी तस्वीर ने मेरा दिन बना दिया, सभी चीजों के लिए मेरे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद।
निक हाल ही में अपने भाई कोविन जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा के नए रेस्टोरेंट सोना में पहुंचे थे, जहां से निक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। रेस्टोरेंटर मनीष के गोयल ने निक और उनके भाई कोविन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सोना न्यूयॉर्क में धमाल मचाएगा। साथ ही निक और उनके भाई कोविन को धन्यवाद दिया कि वो रेस्टोरेंट में जरूर आए। जैसा हमने सोचा था, सोना अपने स्वादिष्ट खानों की वजह से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब जरूर होगी। एक ही इंसान इस खास पल में नहीं है और वो आप हैं, प्रियंका चोपड़ा। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, भाई आज विराट गुम तो नहीं, लेकिन हाँ टूट जरूर गए हैं प्यार में। वो क्या है ना, आज विराट आईपीएस ऑफिसर नहीं है, वो एक पति है जो अपनी पत्नी से ये गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। खैर देखिए ये मेलोड्रामा इस रिपोर्ट में। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में पाखी को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, ये सीरियल्स के झटके तो वैसे काफी नॉर्मल है, क्योंकि सीरियल की कहानी में बिना लटके झटके के काम नहीं चलता। अब पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि सई अस्पताल से वापस अपने घर आ गई है और चौहान हाउस में लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर सई ने किसी को भी नहीं बताया कि वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली है। मतलब कि सई सबको सरप्राइज देने के प्लान में थी। वैसे सई आपके लिए ये आसान है, पर एक बार जरा विराट के बारे में भी सोचिए, आपके बिना उनका क्या हाल होगा। और जैसे ही विराट को इस बात की भनक लगी, भाई उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सई विराट के सामने ही अपना सामान पैक करने लगी और उससे ये भी कह रही कि वो अब उससे पुलकित जीजू के घर पर रहेगी। सई का ये फैसला सुनकर विराट पूरी तरह से टूट गया है। विराट सई को रोकने की पूरी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन भला सई कहाँ मानने को तैयार है, उन्होंने तो पैकिंग भी कर ली है। खैर आप चिंता मत कीजिए, विराट के प्यार में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो अपने सई को रोक ही लेंगे। और वहीं सई की वापसी के साथ ही पाखी को भी जोर का झटका लगने वाला है। पाखी को लग रहा था कि विराट के मन में सई के लिए कड़वाहट पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब थक हार कर पाखी चौहान हाउस छोड़ने का फैसला कर चुकी है। अब आगे वो घर वालों से सिर्फ इतना ही कहेगी कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाएगी, तब तक वो अपने माता पिता के घर पर ही रहेगी। बस उसका एक ठुमका और लोगों की भारी भीड़, वो जहां जाती है चाहने वालों का तांता लग जाता है। बॉलीवुड से लेकर स्टेज शो तक में अपने बेहतरीन डांस और अदाओं से घायल करने वाली सिंगिंग और डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज बच्चा बच्चा सपना को जानता है, लेकिन सपना को अभी तक के सफर में कितनी मुश्किलें और कितने उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा वो शायद कोई नहीं जानता। तो आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं सपना के सफर के बारे में। जब भी कोई डांसर का नाम लेता है तो हरियाणवी फोक डांसर सपना चौधरी का नाम उन चंद नामों में से एक है जो हर किसी के दिमाग में जरूर आता है। सपना ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 15 साल पूरे कर लिए हैं। देसी क्वीन के नाम से मशहूर सपना चौधरी बिग बॉस सीजन 11 में आने के बाद से काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 15 साल पूरे कर लिए हैं, जिस पर उन्होंने खुलकर बात करते हुए बताया कि वो आज भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी संघर्ष कर रही हैं। सपना का कहना है कि वो हिंदी फिल्मों या टीवी शो में काम करना चाहती हैं, लेकिन हरियाणा के रीजनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उनका कहना है कि वो भड़कीले कपड़े नहीं पहनती और अंग्रेजी में बात नहीं कर पाती, शायद इसलिए उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सपना का कहना है कि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए वो बॉलीवुड में एक ब्रेक पाने के लिए अभी तक संघर्ष कर रही हैं। सपना के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपसे तभी बात करते हैं जब उन्हें आपके साथ कुछ काम होता है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी हुई है जो लगातार जज करते हैं, और ऐसा कई बार हुआ कि डिजाइनरों ने कार्यक्रम और शो के लिए उनके कपड़े देने से इनकार कर दिए हैं। फिलहाल सपना चौधरी फिल्म जगत में अपना पहला किरदार निभाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रही हैं। इसके साथ ही अपने डांस से खुश भी हैं।
और उनका कहना है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने प्रदर्शन की वजह से हूँ। डांस मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा डांस खत्म हो गया है, लेकिन मैं अन्य चीजों को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। देखिए, बॉलीवुड की फिल्मों में ना आपने कई लव स्टोरी और ट्रेजेडी स्टोरीज तो जरूर देखी होगी, लेकिन रियल लाइफ में भी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिनका प्यार किसी फिल्मी कहानी की तरह शुरू हुआ और फिर अचानक फिल्मी तरीके से रिश्ता खत्म भी हो गया। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक फिल्मी लव स्टोरी की। ये बात मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बीच पनपे प्यार और फिर 19 साल की शादी के अचानक खत्म हो जाने की कहानी है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल शादी के 19 साल बाद मलाइका अरबाज के रिश्ते में दरार आ गई थी और फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया था। दोनों के तलाक के बारे में सुनकर इनके परिवार वाले और करीबी काफी दुखी भी हुए थे। अरबाज और मलाइका की लव स्टोरी की शुरुआत एक कॉफी फोटो शूट के दौरान हुई थी। दोनों ने शूटिंग के बाद से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। 5 साल तक डेटिंग के बाद मलाइका और अरबाज ने शादी कर ली थी। 5 साल की डेटिंग के बाद 12 दिसंबर 1998 को मलाइका और अरबाज ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की थी। उसके बाद दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाजों से निकाह कर एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए थे। शादी के 4 साल बाद 2002 में अरबाज मलाइका के घर पहले बेटे अरहान ने जन्म लिया। अरहान की उम्र अब 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन शादी के 18 साल बाद इन दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। कपल ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक से एक रात पहले दोनों के ही परिवारों ने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मलाइका अपना फैसला कर चुकी थी। हालांकि दोनों के तलाक की सही वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अरबाज से तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा ने कहा था, किसी के लिए भी ऐसा फैसला लेना आसान नहीं होता है। हर कोई दूसरे इंसान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन ये किसी एक का फैसला नहीं होता, बल्कि दोनों इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि हम दोनों ने ये फैसला करने से पहले हर छोटी चीज का अनुमान लगाया था और फिर तलाक लेकर हम अलग हो गए, क्योंकि उस वक्त हम दोनों ऐसे रिश्ते में थे जहां अरबाज और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये चीज हम दोनों के जिंदगी और हमारे बेटे की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा इन दोनों अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में हैं, वहीं अरबाज खान भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और अरबाज भी जॉर्जिया एंड जूलिया के साथ रिलेशनशिप में हैं। ये गजल है ना, गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आंखों में सिर्फ पानी है। ये लाइन्स है फिल्म अलग की, जो 1985 में आई थी, और ये लाइन्स बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर किशोर कुमार की है। देखिए, वैसे तो किशोर कुमार का जन्मदिन उनके गाए गानों के साथ ही सबसे बेहतर ढंग से मनाया जा सकता है। जी हाँ, उनके गाए हर एक गाने आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनसे कुछ अनसुने किस्से इस खास रिपोर्ट में। भारतीय सिनेमा के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार का 4 अगस्त को जन्मदिन है। किशोर कुमार ने लगभग 1500 से ज्यादा फिल्मों में गाना गाया है। आज भी उनके गानों को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ किशोर कुमार एक लेखक, फिल्म निर्माता और स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, लेकिन अपने प्रोफेशनल जिंदगी की तरह ही उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार था, लेकिन उन्हें उनके स्क्रीन के नाम किशोर कुमार से ही पहचान मिली। किशोर कुमार अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही मस्तमौला किस्म के इंसान थे और साथ ही अभिन्न प्रतिभा के धनी भी थे। आज भले ही किशोर कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार किशोर कुमार की प्रोफेशनल जिंदगी जितनी सफल रही, उनकी निजी जिंदगी में उतनी ही उथल पुथल रही। किशोर कुमार ने टोटल 4 शादियां की थी। उनकी चौथी शादी लीला चंद्रवारकर से हुई थी। बता दें कि किशोर कुमार अपनी चौथी पत्नी लीला चंद्रवारकर से लगभग 20 साल बड़े थे। चौथी शादी के वक्त उनकी उम्र महज 51 साल की थी। दोनों की मुलाकात प्यार अजनबी है के सेट पर हुई थी।
उनकी पहली शादी रूमा घोष, दूसरी शादी मधुबाला, तीसरी शादी योगिता बाली और चौथी शादी लीला से हुई थी। किशोर कुमार से अलग होने के बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। किशोर कुमार ने फिल्मों से जुड़ने से पहले भी कभी भी संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी। किशोर कुमार ने अपने करियर में सभी भाषाओं में मिलाकर 1500 से ज्यादा गाने गाए हैं। किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार ने एक खास मीडिया बातचीत में बताया था कि किशोर कुमार बचपन में बेहद बेसुरे थे। अशोक कुमार के अनुसार किशोर कुमार की आवाज किसी फटे हुए बांस की जैसी थी, लेकिन फिल्म जगत में किशोर कुमार ने अपनी जो जगह बनाई उसके बाद इस चीज पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। किशोर कुमार का निधन बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर हुआ था। कहा जाता है कि किशोर कुमार को फिल्म जगत में लाने वाले उनके बड़े भाई ही थे। सिर्फ 57 साल की उम्र में किशोर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहा जाता है कि किशोर कुमार अपने भाई से अधिक पैसे कमाना चाहते थे और उनका ये सपना पूरा हुआ क्योंकि किशोर कुमार 70 और 80 के दशक में सबसे महंगे सिंगर थे। अंग्रेजी गानों के शौकीन थे किशोर कुमार। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने एक मीडिया बातचीत के दौरान बताया था कि उनके पिता अंग्रेजी गानों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कहा, किशोर जी को अंग्रेजी क्लासिक फिल्में देखने का बहुत शौक था। एक बार तो अमेरिका से वो ढेर सारी वेस्टर्न फिल्मों की कैसेट लेकर आए थे। इसके अलावा अगर वो किसी सिंगर के सबसे बड़े फैन थे तो वो थे KL सहगल। किशोर कुमार हमेशा से उनकी तरफ सर्वश्रेष्ठ सिंगर बनना चाहते थे। दिग्गज सिंगर किशोर कुमार ने अपनी करियर की शुरुआत साल 1946 में की थी। उन्होंने फिल्म शिकारी से फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोनों ने भाई भाई, दूर का राही, चलती का नाम गाड़ी और बंदी में साथ काम किया था। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में किशोर कुमार का बहुत बड़ा हाथ। सॉरी अम्मा, अब्बा और इक्की, ये हम नहीं, ये सारा अली खान बोल रही हैं अपने अम्मी और अपने अब्बू से, क्योंकि सारा ने कुछ ऐसा ही किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में आखिर क्यों बोल रही हैं सारा अपने अब्बा और अम्मी को सॉरी। फिल्म जगत में बहुत ही कम समय में नवाब खानदान की बेटी सारा अली खान ने अपनी एक अलग पहचान और खास पहचान बना ली है। वैसे तो सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से अपना करियर शुरू किया था और भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन सारा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में जरूर कामयाब रही। फिल्मों की तरह ही सोशल मीडिया पर भी सारा काफी एक्टिव रहती हैं और वो वहाँ भी अपने जोक्स और अनोखे अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करने से बिल्कुल नहीं चूकती। और एक बार फिर से सारा सुर्खियों में आ गई है। दरअसल हाल ही में सारा ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो के साथ साथ सारा ने अपने मम्मी पापा यानी सैफ अली खान और अमृता सिंह से माफी भी मांगी है। इतना ही नहीं, सारा ने ये तक कह दिया कि नाक कटा दी मैंने। बता दे, सारा अली खान ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनकी नाक पर चोट लगी दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सारा ने लिखा, सॉरी अम्मा, अब्बा और इक्की, नाक कटा दी मैंने। सारा का ये वीडियो और इसके साथ लिखा अजीबोगरीब कैप्शन देखकर फैंस वाकई शॉक्ड हैं। लेकिन अब ज्यादा मत सोचिए, यहाँ नाक कटाने से सारा का मतलब था कि उनकी नाक पर चोट आ गई है और इस बात को सारा ने अपने मजेदार अंदाज में बताया है। उनका ये तरीका भले ही यूनिक था लेकिन सच में वाकई मजेदार था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सारा ने पहले तो नाक को ढक रखा है और कुछ ही सेकंड बाद जब वो नाक पर से कॉटन हटाती हैं तो दिखाई देता है कि उनकी नाक पर चोट लगी है जिससे काफी खून भी बह रहा है। सारा का ये वीडियो मजेदार तो है लेकिन कुछ फैंस ने उनके लिए चिंता भी जाहिर की है। गौरतलब है कि सारा अली खान सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। वो जो भी पोस्ट इंस्टाग्राम पर डालती हैं वो तुरंत ही वायरल होने लगती है। वैसे आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर सारा अली खान के 33 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हर दिन के साथ वो लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2018 में सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ से अपनी करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थी। इसके अलावा सारा अली खान ने इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में कार्तिक आर्यन के साथ काम किया था। सारा अली खान आने वाली फिल्म की बात करें तो जल्द ही फिल्म अतरंगी रे में वो नजर आने वाली है। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार और साउथ अभिनेता धनुष के साथ काम कर रही है।
सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में कलंक भाभी ने जो किडनैपिंग का ड्रामा रचा है वो कितना सक्सेस होगा और होगा भी या नहीं होगा ये तो कहना वाकई मुश्किल है। लेकिन अब वो लोगों पर उंगली कैसे उठाएंगी, क्योंकि कलंक भाभी ने खुद की उंगली काट कर गहना को दे दी है और गहना ने उसे फेंक भी दिया। अब वो कैसे गहना या फिर घर में किसी और पर उंगली उठाएंगी, यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। तो आइए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से लीजिए, देसाई परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस बार कनक ने जो चाल चली है उस चाल में तो भाई सच में पूरा देसाई परिवार फंस ही जाएगा। अब कनक की नजर है इस घर पर, वो इस घर को अपने नाम पर करना चाहती है और उसके लिए उसने बहुत बड़ी साजिश भी रची है और खुद को ही किडनैप करवा दिया। उसके बाद गुंडों के जरिए वो घर वालों से घर का सौदा करवा रही है। गहना तो अब रिश्तों का मान समझती है, उसके लिए घर से बड़ा रिश्ता है। और यहाँ तो बात रिश्तों की है तो भला गहना कैसे चुप बैठ सकती है। तभी तो घर वालों को वो कह रही है पेपर पर साइन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर अनंत अपना दिमाग लगा रहा है। अनंत ने घर के नकली पेपर का इंतजाम कर लिया है और उस पर साइन करने की बात भी कर रहा है। अब भाई अनंत आप नहीं जानते कि घर का भेदी लंका ढाए, कनक के खबरी लंका ढाएंगे। आपकी ये बात कनक भाभी तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल अभी आपको जो ठीक लगे वही कीजिए, क्योंकि कल जो होने वाला है वो तो शायद आज से भी बुरा होगा। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।